अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं किचन विद मारिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रबड़ी दूध। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये घर में बहुत अच्छी बनती है, बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने जो है 7 खाने के चम्मच 7 टेबल स्पून चीनी ली है। चीनी को हम जो है मेल्ट कर लेंगे, कैरेमल टाइप इसको कर लेंगे। और आप देख सकते हैं चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है। जब ये इस कलर में आ जाएगी फिर जो है हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें दूध जो है वो ऐड करेंगे। दूध मैंने जो है 2 किलो लिया है और फ्रेश मिल्क लिया है। 3 चम्मच चीनी मैंने दूध में बाद में ऐड की है, ठीक है जी। दूध जो है मैंने ऐड कर लिया है और जो चीनी है वो मेल्ट हुई हुई थी और जब हम उसमें दूध ऐड करेंगे तो वो एक जम सी जाएगी और आपने फिक्र नहीं करनी उसको। आप जब चूल्हा ऑन करेंगे वो जब पकना शुरू होगा दूध तो वो खुद जो है मेल्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं दूध जो लिया है मैंने 2 किलो और हमने इसको इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए, ठीक है जी। इसको तकरीबन मैंने लो फ्लेम पर 2.5 से 3 घंटे इसको मैंने पकाया था और बिल्कुल लो फ्लेम पे और ये बहुत अच्छा थिक हुआ है, ठीक है जी। अब हम तुख मलंगा जो है वो ले लेंगे और 1 टेबल स्पून मैंने तुख मलंगा लिया है और इसको हम जो है पानी में डिप करेंगे 1 घंटे के लिए। पानी आपने थोड़ा, आधा ग्लास मैंने इसमें पानी का डाला था और तकरीबन इसको हम 1 घंटे के लिए जो है भिगो के रख देंगे, ठीक हो गया। अब दूध की तरफ चलते हैं। दूध जो है हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है। कलर भी आप देखिए इसका, माशाल्लाह इतना अच्छा इसका कलर आया है। और अभी हम इसको और पकाएंगे और इसको इतना पकाना है आपने कि ये अच्छा सा थिक हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक करें और आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, दूध बहुत अच्छा पक रहा है और इसके बाद हम इसमें 2 खाने के चम्मच पिस्ता ऐड करें। पिस्ता मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है और उसका मैंने पाउडर बना लिया और 2 खाने के चम्मच बादाम लिए हैं और उसका भी मैंने पाउडर बना लिया, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और कॉर्नफ्लोर से यह है कि थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी दूध में। थोड़े से पानी में हम कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे और 3 टेबल स्पून ले लें आप पानी और उसमें मिक्स कर लें और फिर हम इसमें ऐड करेंगे और चम्मच जो है चलाते रहेंगे, ठीक है जी। अब मैंने जो है फ्लेम ऑफ़ कर दी है और ये आप देख सकते हैं हमारा रबड़ी दूध इतना अच्छा रेडी हो गया है। अभी ये बहुत गर्म है। 3 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था और इसको अच्छा सा ठंडा कर लिया था। ये हैं सेवैयाँ और सेवैयाँ जो कलर्ड सेवैयाँ ये, और इसको मैंने बॉयल कर लिया है और अब हम इसको डालेंगे बाउल में। इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे जो दूध हमने रेडी किया है और इसके बाद हम इसके ऊपर जो है तुख मलंगा ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पे 2 कलर्स में जेली ली है, रेड और ग्रीन। और यहाँ पे जो मेंशन होता है जेली के डब्बे पे कि 2 ग्लास आपने लेना है पानी, मैं 2 ग्लास नहीं लेती, मैं 1 ग्लास लेती हूँ। उससे जो जेली है वो बहुत अच्छी बनती है और थिक बनती है, ठीक है जी। अब आप देखें कि मैंने इसकी जो लेयर तुख मलंगे की लगाई है और इसके ऊपर बादाम पिस्ता डाला है और जेली, और डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर बादाम पिस्ता डालेंगे। और एक बाउल में मैंने तुख मलंगा ऐड नहीं किया क्योंकि फातिमा को तुख मलंगा पसंद नहीं है, तो इसलिए नहीं ऐड किया। सबसे पहले हम सेवैयों की लेयर लगाएंगे, फिर हम दूध डालेंगे और फिर उसके बाद तुख मलंगा, जेली और पिस्ता बादाम, ठीक है जी। और आप लोग इसको ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं और इसमें आप, मैंने बाद में इसमें बर्फ़ भी डाली थी और इसको अच्छा से ठंडा किया था और फिर सर्व किया था। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बना है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बना है। आपको पता है घर में जो चीज़ बनती है साफ़ सुथरी होती है, इसलिए आप लोग घर में बनाएं और एंजॉय करें। और आज की वीडियो जो है डन हो गई है इंशाल्लाह।